हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड डिज़ाइन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फैशन एंड इट्स वेज एंड इट्स टर्म फैशन टर्म एंड इट्स टाइप्स। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। व्हाट इज फैशन? फैशन इज डिफाइंड एज द स्टाइल ऑफ ड्रेस जो सेम टाइम पीरियड और पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारे लोग उसे फॉलो करते हैं, उसे फैशन कहते हैं। फैशन इन द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग, एसेसरीज एंड फर्नीचर, जिसे सब फॉलो करते हैं। फैशन अपने अपने कल्चर से रिलेटेड होता है। जिसका जैसा कल्चर हो वो वैसा ही फैशन फॉलो करता है। फैशन गुड लुकिंग का एक सोर्स है। अनदर वर्ड्स फॉर फैशन: ट्रेंड, फैड, लुक, स्टाइल, वर्क एक्सेट्रा। अब डिफरेंस स्टाइल की बात करते हैं हम। इसकी टू वेज हैं, स्टाइल एंड ट्रेंड। अपने आप को हम एक्सप्रेस करने को स्टाइल कहते हैं। स्टाइल से पर्टिकुलर पर्सन का टेस्ट पता चलता है। जो फैशन को अडॉप्ट करने के बाद हम जो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम फैशन करते हैं, स्टाइल होता है वो, और उसी से हमें कॉन्फिडेंस आता है। हम अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग फैशन स्टाइल को चूज़ करते हैं एंड देन इट इंक्रीज आर कॉन्फिडेंस। स्टाइल इज अरेंजिंग आर अपीरियंस। अब है ट्रेंड। फैशन ट्रेंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉपुलर फिगर्स लाइक सेलिब्रिटीज, म्यूजिशंस एंड जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। फैशन ट्रेंड साइक्लिकल होता है, साइकिल की तरह घूमता है। पास्ट फैशन पर रिवर्क करके उसे मॉडर्न टेस्ट का बनाया जाता है। उसी ट्रेंड को हम रिपीट करते हैं, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो आज के ट्रेंड की है वही हम ऐड करते हैं, आज के जो फैशन की होती हैं। अब हम बात करेंगे फैशन टर्म्स। इन फैशन, आउटफिट इज कंप्लीट विद एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा। होल लुक इज कॉल्ड शेप, सिलहेट एंड आउटलाइन। बेसिक टर्म ऑफ फैशन इज शेप। इन फैशन वर्ल्ड, शेप ऑफ आउटफिट इज नेसेसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम दूसरे किसी बंदे को देखते हैं, पर्सन को देखते हैं, तो एक जो आउटलाइन उभर के आती है हमारे सामने उसकी पूरे आउटफिट के, वो हम उसी से इम्प्रेस होते हैं। देन हम उसके क्लोथिंग अटायर को देखते हैं, हेड गियर को देखते हैं एंड उसके हैंड बैग अगर उसने लिया है तो एक्सेट्रा, इन चीज़ों को देख के इम्प्रेस होते हैं, देन हम उससे बातें करते हैं। बेसिक शेप्स आर ए लाइन, स्ट्रेट, फ्लेयर्ड, असिमेट्रिकल एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे फैशन की टाइप्स की। टू टाइप्स ऑफ फैशन होता है। फर्स्ट है प्रीट ए पोर्टर, मींस रेडी टू वियर। सेकंड है हॉट कुथूर। अब बात करते हैं पहले हम हॉट कुथूर की। फॉर दोज हु इज़ वेल्दी फिट, इस तरह के कपड़े जो कि रिच क्लास पीपल के लिए बनाए जाते हैं, इसे हाई फैशन भी बोलते हैं और हाई ड्रेस मेकिंग और हाई स्विंग भी बोलते हैं। ये पर्टिकुलर वन पर्सन के लिए बनता है, मतलब डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ के लिए वो फैशन शो में जो पहनते हैं वो उनका पर्टिकुलर होता है। यानी जैसे कि वो अवार्ड फंक्शन में पहनते हैं तो वो एक सिंगल ड्रेस होती है और वो अपने लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस ही बनवाते हैं। और जो हाई प्रोफाइल के जैसे सेलिब्रिटीज़ के भाई बहन हैं या मिनिस्टर हैं, जो ज़्यादा ही मतलब जिन्हें हैं, वैसे मिनिस्टर रेयरली पहनते हैं इस तरह के, लेकिन जिन्हें है पसंद तो वो अपने डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराते हैं। अब है ट्रीट ए पोर्टर, मीन्स रेडी टू वियर। ये हॉट कुथूर और रेड प्रीट ए पोर्टर, ये फ्रेंच टर्म्स हैं। अब बात करते हैं प्रीट ए पोर्टर। दिस हॉट कुथूर, सॉरी, रेडी टू वियर फॉर लो टू मिडल एंड हाई क्लास फैमिली के लिए होता है। मतलब लो के लिए भी होता है, मिडल के लिए भी होता है एंड हाई क्लास
पीपल के लिए भी होता है। मार्केट से जो हम कपड़े खरीदते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, जो हम परचेज करते हैं जो भी कपड़ा, वो रेडी टू वियर होता है, उसे डिज़ाइन किया जाता है डिज़ाइनर से, लेकिन क्राफ्ट किया जाता है टेलर से, ए नंबर ऑफ टेलर्स, ए टीम ऑफ टेलर्स, और यही है। फिर उसका रेप्लिका आता है, ये सब रेप्लिका एक अदर थिंग है, लेकिन जो बनता है ड्रेस, मतलब एक जैसे जो हम मार्केट से जो भी हम खरीदते हैं वो रेडी टू वेयर होता है। तो थैंक यू, आज की क्लास कंप्लीट है। और अगर मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कि आपको किस चीज़ की क्लास लेनी है। थैंक यू।